ये ऐसी शख्सियत है, मैं तो कहता हूं ये सूबे कर्नाटक वाले ही नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर हिंदो पाक और पूरे एशिया के लिए एपी उस्ताद साहब खुदा की नेमत है, खुदा की नेमत है, बरकत है हमारे लिए। और एपी शख्सियत, एपी साहब की वो शख्सियत कि जिन्होंने हिंदुस्तान में 2300 मसाजिद की जिम्मेदारी लेकर बांधा है, 2300 मसाजिद एपी उस्ताद साहब की सरपरस्ती में बांधे गए। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत सुन्नी मसल के आला हजरत का डंका बज रहा है मसाजिद में। आप क्या समझते हैं इस शख्सियत को, ये खुदा की नेमत है। और आप याद रखें हासन के नए बस स्टैंड पर जाओ तो आसमान से बाते हुए दो मीनारे मस्जिद के आपको बुलंद नजर आएंगे। हमने जब मस्जिद का प्रोग्राम एपी उस्ताद साहब के सामने रखा और आपने बैला देखा, हमारे बैले में लिखा हुआ था हनफी मसल के आला हजरत, तो एपी उस्ताद ने खुश होकर कहा लाखों रुपए की मस्जिद से तामीर कर दी मस्जिद खुबा के नाम से। आज वहां पर मसल के आला हजरत का झंडा ले रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां आप सुल्तानुल उलमा हैं, उस्तादुल उलमा हैं, खमरुल उलमा हैं, एक मुफक्किर हैं और सब अपनी अपनी जगह, मैं तो कहता हूं कि आज आप एक जबरदस्त आशिक रसूल भी हैं। एपी उस्ताद साहब एक जबरदस्त आशिक रसूल भी हैं। और अपनी जबान से नहीं कह रहा हूं, डेली सालार रोजनामा सालार 4 साल पहले की एक रिपोर्ट एपी उस्ताद साहब का, जहां मरकजु सकाफतु सुनिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर 20 से 25 हजार तलबा एक ही वक्त में तालीम पा रहे हैं, जहां पर फिका हनफी भी पढ़ाया जा रहा है और फिका शाफी भी पढ़ाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हनफी तलबा हमारे वहां जाकर पढ़ते हैं, जिनके सरों पर दस्तारे फजीलत का ताज लगता है, जहां सकाफतु सुनिया से फारिग होते हैं तो मसल के आला हजरत का दाई बनकर निकलते हैं। आप जाओ केरला की सरजमीन पर, एक वक्त एक ही छत के नीचे 20 हजार तलबा का कयामो ताम का इंतजाम। अल्लाह ने इनको दीन की खुद खिदमत के लिए, सुन्नियत के लिए चुन लिया। तो वहां का जो दस्तारबंदी का जलसा हुआ था, दुनिया भर से बड़े बड़े उलमा आते हैं, बड़े बड़े मशायख आते हैं, तो दुबई से भी एक शेख साहब आए थे। मैं बता रहा हूं आशिक रसूल क्यों कहा मैंने आपको, दुबई से एक शेख साहब आए थे मेहमान खुसूसी के साथ मरकजु सकाफत सन्निया के सालाना जलसे में। उन्होंने जलसे में एपी साहब को एक तोहफा दिया, एक गिफ्ट दिया। आप सोच रहे होंगे अंगूठी दी होगी, वॉच दिया होगा, नहीं। अल्लाह अल्लाह क्या किस्मत है। इसलिए हम कहते हैं कि जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। दुबई के शेख साहब ने शेख मोहतरम को ये गिफ्ट दिया, तोहफा दिया, और तोहफा क्या था, सरकार का मुंह ये मुबारक था। जोर से कहे सरकार का मुंह ये मुबारक था। और एपी साहब के पैगाम को मैं दो जुमलों से कहता हूं, इनके यहां ना हनफी है, ना शाफी है, ना मालिकी है, ना हम्बली है, जो नबी का गुलाम है वो हमारा इमाम है। एपी साहब का ही पैगाम है, जो नबी का गुलाम है वो हमारा इमाम है। तो सरकार के मुंह मुबारक है। और शेख साहब वो दुबई के मेहमान खुसूसी शेख साहब कहते हैं कि ये सरकार का मुंह मुबारक है जो मैं तोहफे पर दे रहा हूं, सनद के साथ था, ऐसा नहीं कि यहां वहां से, सनद के साथ था। और क्या कहकर दिया था, सालार में पूरी रिपोर्ट है, स्टेज में ये कहकर दिया था कि ये तोहफा सरकार का मुंह मुबारक जो मैं आपको पेश कर रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बल्कि मदीने वाले आखा ने मेरे ख्वाब में आए थे और मुझे इशारा दिया था, ये मेरा मुंह मुबारक ले जाकर एपी साहब की प्यारगाह में पेश करो। दुनिया में तो मकबूल है ही, बस दुनिया में तो मकबूल है, हिंदुस्तान में मकबूल है, मदीने वाले आखा की बारगाह में एपी साहब मकबूल है। लिहाजा एक ऐसी तहरीक लेकर चले हैं पयाम इंसानियत की तहरीक। आज दुनिया में यात्राएं बहुत निकलती हैं,
हिंदुस्तान में तहरीकें बहुत निकलते हैं, न जाने कैसे कैसे यात्रा निकलते हैं। याद रखो, हर यात्रे वाला दिलों को तोड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पी साहब का यात्रा दिलों को जोड़ता है, इंसानों को जोड़ने का काम करता है। आज हिंदुस्तान में करप्शन का एक मसला है, रिश्वतखोरी का एक मसला है, और करप्शन को खत्म करने के लिए कभी अन्ना हजारे की तहरीक जन्म लेती है और कभी अरविंद केजरीवाल की तहरीक लेती है, न जाने कैसी कैसी तहरीकें जन्म लेते हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान से करप्शन को खत्म करना है, रिश्वतखोरी को खत्म करना है, अन्ना हजारे की तहरीक की जरूरत नहीं, अरविंद गुजराल की तहरीक की जरूरत नहीं, किसी और तंजीम की तहरीक नहीं, ये भी उस्ताद की तहरीक की जरूरत है, एसएसएफ की तहरीक की जरूरत है, इनके पैगाम की जरूरत है। तो ऐश सुन्नी मुसलमानों, इनकी तहरीक से जुड़ जाओ, एसएसएफ से जुड़ जाओ। एसएसएफ का पैगाम क्या है? आला हजरत के शेर में मैं आपको सदात कौम मुस्लिम सोई हुई है। क्या पैगाम है एसएसएफ का? के दिन लोहों में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लोहों में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेदार हो जाओ सुन्नी मुसलमान, बेदार हो जाओ, और आज हमारी जो कौम सोई है उसे जगा दो एसएसएफ के बैनर तले आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज एसएसएफ का झंडा जिसने पकड़ा है, एसएसएफ का झंडा जिसने पकड़ा है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बन गया है। बगैर जहेज के वो शादी कर रहा है, शराब जैसी नशा चीजों को छोड़ दिया है। मुझे वक्त नहीं है, बस यही जो तहरीक लेकर चले हैं ये नेमत है हमारे लिए, बरकत है हमारे लिए, हम इनसे फैज हासिल करना चाहिए। मैं रब्बे खदीर से दुआ करता हूँ, परवरदिगार इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, इनकी काविशों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी अमल में बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।